और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के धुरंधरों ने तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 7 विकेट से शानदार जीत के साथ श्रीलंकाई टीम को चेतावनी दे दिया है कि आने वाले मैचों में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा। दरअसल वनडे सीरीज शुरू होने से पहले श्रीलंका के कप्तान भारतीय टीम को 3-0 से हराने का दावा कर रहे थे, लेकिन पहले वनडे मैच के दौरान टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने श्रीलंकाई गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए गनीमत यह रही कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जैसे दिग्गज ऑलराउंडर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो हार्दिक पांड्या मनीष पांडे की जगह बल्लेबाजी करते तो भारतीय टीम 40वें ओवर से पहले ही जीत हासिल कर सकती थी। खैर जो भी हो, भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। खास तौर पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, पृथ्वी शाह और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में होना टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी शाह ने मैदान पर उतरते ही तेज तर्रार बल्लेबाजी कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें भारत का अगला वीरेंद्र सहवाग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 43 रन के निजी स्कोर पर पृथ्वी के आउट होने के बाद टीम इंडिया की जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने जमकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की खबर ली। किशन की तूफानी बल्लेबाजी देखकर श्रीलंकाई टीम के दिग्गज गेंदबाज भी थर थर कांपने लगे। कुल 143 रन के स्कोर पर ईशान किशन के आउट होने के बाद एक बार फिर टीम इंडिया की बल्लेबाजी दबाव में आ गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे की धीमी बल्लेबाजी देखकर भारतीय टीम के फैंस को भी टीम इंडिया की जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन कुल 215 रन के स्कोर पर मनीष पांडे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी कर टीम इंडिया को चमत्कारी जीत दिला दिया।